Hey guys, Assalamualaikum. I am Sana and welcome back to another video. So guys, आज की जो वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मेकअप ब्रशेज, आई ब्रशेज हैं और कुछ फाउंडेशन ब्रशेज हैं। तो इस तरह के दो मैंने लिए हैं, ब्यूटीफाई बाय आमना के, जो कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। इसका मेकअप हॉल के अंदर, मतलब जो मैंने ऑनलाइन परचेजिंग की थी उसकी वीडियो बनाई है। उसमें जितनी भी चीजें मैंने मंगवाई थी वो सब मैंने उस वीडियो में बताया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो इस ब्रश को ओपन करते हैं और देखते हैं कैसे ये वर्क करेंगे, क्या इनका टेक्सचर है, लुक क्या है और कितने फ्लफी हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग में ये अवेलेबल है, ग्लिटर वाली पैकेजिंग है। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था, ऑर्डर करने से पहले जब मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया है, जब मैंने ऑर्डर करते वक्त इसको देखा, क्योंकि ये दो अलग अलग डील्स हैं, जब मैंने इसको देखा तो सबसे पहला जो लुक था ना वो इस बॉक्स की पैकेजिंग थी, जो कि मुझे बहुत पसंद आई और मेरा दिल हो गया यार इसको परचेज लाजमी करना है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैकेजिंग। और वैसे तो मैंने एक ही परचेज करना था बट पैकेजिंग बहुत ही क्यूट थी तो मैंने दोनों परचेज कर लिए। हालांकि ये वाला मेरा ज्यादा यूज का है, ये वाला इतना खास नहीं था, मतलब यूज का मेरा इतना नहीं है। मेरे पास ब्रशेस ऑलरेडी हैं बट स्टिल मैंने आपको कहा मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी है। इस तरीके के ब्लैक शेड में ये ब्रशेज अवेलेबल। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो ये ग्लिटर के ऊपर बेस की गई है। इस तरीके का बॉक्स है, ब्लैक कलर का यहाँ से है, जिसके ऊपर लिखा गया है ब्यूटीफाई बाय आमना रेगुलर पैक, और यहाँ पे भी सेम लिखा गया है। अगर इसको ना मैं पहले बता दूं, ये ग्लिटर वाली थी और ग्लिटर इस तरीके की थी, ये उतरने लग रही थी तो मैं नहीं चाहती थी कि ये खराब हो, जरा सा भी खराब हो। तो मैंने इसके ऊपर जो टेप होती है ट्रांसपेरेंट वाली स्कॉच टेप, वो मैंने इसके ऊपर लपेट दी ताकि ग्लिटर जो है वो सेव रहे, ठीक है, कुछ टाइम तक, यानी कि अब लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। सेम इसके ऊपर भी मैंने सेम ये किया। तो इस तरीके के इसमें ब्रशेज अवेलेबल हैं, ब्लैक कलर के, क्यूट से बहुत ही ज़बरदस्त इनकी फिनिशिंग है। और इस तरीके के ये ब्रशेज हैं ब्लैक कलर में, 9 का एक सेट है, एक 9 का सेट है, दूसरे 9 का सेट है, दोनों अलग अलग डील थी जिनके साथ और चीज़ें भी अवेलेबल थी, बट ब्रशेज जो थे वो इसका मेन पार्ट था तभी अलग अलग लिए। इस वाले ब्रशेज में वाइट कलर भी अवेलेबल हैं बट मैंने ब्लैक, क्योंकि ये वाले लिए तो ये भी ब्लैक ले लिए, ठीक है। सबसे पहले इन ब्रशेज की बात करूंगी, इस वाले की बात करती हूँ, चलो इसकी बात कर देती हूँ। सबसे पहले इन ब्रशेज की बात करूंगी, इनकी जो फिनिशिंग है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है इसके ऊपर। और इनके ऊपर अगर आप देखो ब्यूटीफाई बाय आमना के यहाँ पर टैग भी लगा हुआ है, और इसके ऊपर हर ब्रश के ऊपर इनका अपना नंबर है, और यहाँ तक इसके ऊपर लिख के भी दिया गया है कि ब्रश किस यूज़ के लिए, मतलब पेंसिल ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश है, फाउंडेशन ब्रश है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइनर ब्रश है, आईब्रो ब्रश है, तो इन सब के ऊपर लिख के दिया गया है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, उनको ये फाउंड करना कि कौन सा ब्रश कैसे किस काम के लिए है, तो इसके ऊपर सब कुछ लिखा गया है, आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। और इस तरीके की जो डील है इसमें आई मेकअप से रिलेटेड सारे ब्रश हैं, जिसमें आ गया ये स्मर्ज ब्रश जो कि छोटा सा है, टाइनी सा इस तरीके का, फ्लफी ब्रश हैं, कुछ ब्लेंडिंग ब्रश हैं इस तरीके के, फ्लफी बड़ा वाला ब्लेंडिंग ब्रश है, और डिफरेंट वेराइटीज आप देख सकते हो। इसी तरीके का एक लाइनर आई लाइनर ब्रश भी है, इस तरीके का आई लाइनर ब्रश है, और ये छोटे छोटे से ब्रश हैं जो कि एंगल ब्रश भी एक दिया गया है। टोटल 9 का ये सेट है, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाले जो ब्रश हैं इसके ऊपर आ जाते हैं, इसमें सबसे पहला जो ब्रश है वो ये वाला है, फाउंडेशन ब्रश है, बहुत ही फ्लफी ब्रश है, आप इसको देख सकते हो कितना फ्लफी है ये ब्रश, और बहुत ज़बरदस्त ये फाउंडेशन अप्लाई करेगा। फाउंडेशन कैसे अप्लाई करेगा वो भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो फाउंडेशन कोई सा भी अच्छा सा ले लें, मैंने लिया है ड्रीम फ्रेश का मैट फाउंडेशन, इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख लेना। थोड़ा सा फाउंडेशन लेंगे और इस ब्रश की मदद से, फाउंडेशन ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड करके देखेंगे, ठीक है। I don't want no rest.
तो गाइज ये फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो चुका है इस ब्रश की मदद से विदाउट एनी स्पंज. स्पंज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी, मतलब ब्लेंडर की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी. बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट ब्रश है. तो इस ब्रश को देखो तो इसने ज्यादा फाउंडेशन को एब्जॉर्ब भी नहीं किया. इस तरीके का ये ब्रश है, ठीक है. तो ये पहला फाउंडेशन ब्रश है. सेकंड जो है इसका ये पाउडर ब्रश है. जो नॉर्मल आप फेस पाउडर वगैरह यूज करते हो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो. लगा के अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो कितना फ्लफी है ये. इसके अलावा जो है वो ये हाईलाइटिंग ब्रश है. और ब्राउन्जर्स के लिए आप इसको यूज करते हो. ब्राउन्जर्स के लिए इस तरीके का ये ब्रश है. ये भी बहुत ही सॉफ्ट है. पहले ये बता दूं कि ये वीडियो जितने भी है, ये क्या है, इससे पहले भी जितने बनाई है मेरी वीडियो, ये वाली जो है स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है. मेरी ओन परचेजिंग है. मैंने खुद पैसा दे के यार परचेज किया. अच्छा स्पॉन्सर नहीं की गई ये वीडियो. स्पॉन्सर कर दो तो अच्छी बात है. इसके अलावा ये जो ब्रश है इस तरीके का, ये है कॉन्टोरिंग ब्रश. और बहुत ही ईजी टू कॉन्टोर है. मतलब एक लिमिट दी गई है कि इससे ज़्यादा आप अप्लाई नहीं करोगे, बिल्कुल फिक्स डायरेक्शन पे अप्लाई होगा. इसके अलावा कुछ ये ब्रशेज हैं जिसमें है एक एंगल ब्रश आता है. आईब्रोज के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. इस तरीके का एंगल ब्रश है. बहुत ही पॉइंटेड और बहुत ही शार्प ब्रश है. बहुत ही ज़बरदस्त आईब्रो आपके बनाएगा ये. और मैंने वीडियो में यूज़ किया है आई मेकअप के लिए, आप देख लेना इसमें. इसके अलावा ये आईब्रोज के लिए है. जब आप अप्लाई करोगे ये वाला आईब्रो वाला ब्रश है. ये कुछ स्मर्ज ब्रश है, फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है. और इसके अलावा ये भी छोटा वाला स्मर्ज ब्रश है, ठीक है. तो गाइस ये हैं बहुत ही क्यूट से ब्यूटीफाई बाय आमना के ये ब्रश का सेट. दो ब्रशेस मैंने लिए हैं. उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी. बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. और इसको लाजमी परचेज करना. मुझे फीडबैक देके बताना कैसा लगा आपको ये ब्रशेस का सेट. और मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ. अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना. अल्लाह हाफिज़.